मैडम आपका नाम? मैडम आपका नाम आयशा। मैडम आपने आज ये स्टॉल आपका कब से चल रहा है? बहुत दिन हो गए। और मेन मोटिव क्या था स्टॉल का, क्या वजूहत थे कि आपको बिजनेस करने? इंडिपेंडेंट। क्या मोटिव था, क्या यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो? यहाँ पे मैं बेच रही हूँ मोमोज है, आलू पराठे है, चाय है, लस्सी है, जी, एग टोस्ट है जी। और भी मैं कुछ चीजें ऐड करने वाली हूँ। मोटिव कुछ नहीं था, मोटिव ये था कि बिजनेस करना है, तो वो जीरो से स्टार्ट। किस चीज ने आप, मैडम किस चीज ने आपको मोटिवेट किया यहाँ पे? यहाँ किसी ने नहीं किया, जो भी किया बाहर की लेडीज ने किया जी। क्या आप चाहते थे जैसे कि वड़ा पाव वाली गर्ल दिल्ली में निकली, क्या आप वैसे ही काम करना चाहते हो जो एक फेम लेके बैठी है यहाँ? नहीं, फेम नहीं चाहिए मुझे। फेम होने के लिए मेरे पास बहुत वेज है जी। फेम नहीं चाहिए, मैं अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ जी। आपको कितनी दिक्कत आ रही है जब आप काम करें? आप एक खुद मदर हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी? पहले तो स्टार्टिंग बहुत आई थी जी, एज अ मदर नहीं, सोसाइटी की वजह से, बट अभी जी ठीक है, ठीक चल रहा है, क्योंकि आपने इग्नोर करना सीख लिया जी। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी भी सुना पुलिस का दबाव या कितनी फेस? देखो, लोगों की 10 मुंह है 10 बातें हैं जी, लेकिन हमें अपना काम करना है जी। लोगों की बातों में रहे तो हमें घर से निकलना नहीं है। क्या मैसेज रहेगा आपका उन लड़कियों के लिए जो अभी बिजनेस करने से भी डरती है या बाहर घरों से बाहर निकलने के लिए? इंसान को डर अपने मन में होता है, और बिजनेस करने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होती, दिमाग और बोल्डनेस चाहिए जी। मैंने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, कोई अभी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं की है जी, 4-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट जी। क्या मैसेज रहेगा आपको लोगों के लिए? अपना माइंड सेटअप है वो चेंज करो जी, थोड़ा ब्रॉड सोचो, क्योंकि लड़कियाँ बेकार है। लड़कियाँ तो छोड़ो, बॉयज भी मैंने देखे हैं वो तो बहुत सारे जॉबलेस है, घर पे बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें हाई पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जॉब तो अभी कहीं है नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर हो गए हैं, तो अपना कुछ सेक्टर। ओके, थैंक यू।